हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। जैसे कि आप सबको पता है, आईबीपीएस पीओ का प्रीलिम्स चल रहा था, 12 को था और आज इसका लास्ट शिफ्ट थी 19 को। तो इसके बारे में बात करते हैं कि क्या पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल था, क्या इसमें सेफ अटेम्प्ट है और क्या इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि ये एग्ज़ाम मैंने नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? जो लोग स्टार्टिंग से मेरे साथ हैं उन्हें पता है कि ये एग्ज़ाम लास्ट टाइम मैंने क्वालिफाई कर दिया था, इसी वजह से इस बार मैंने ये नहीं दिया है। लास्ट टाइम मुझे यूको बैंक मिला था इसी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जितने भी लोगों ने मैंने रिव्यूज़ देखे हैं उनके अकॉर्डिंग मैं आप बताता हूँ कि किस तरह का पेपर था और किस तरह से इसका कट जा सकता है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ क्वांट सेक्शन की, तो क्वांट सेक्शन का जो लेवल था वो ईजी से मॉडरेट था, ईजी से मॉडरेट था। कुछ शिफ्टों में ये लेवल बड़ा है, कैलकुलेटिव आई है, डीआई वगैरह सब। तो ओवरऑल अगर इसकी सेक्शन की बात करूँ तो 20 से 25 के बीच में आराम से अटेम्प्ट हो रहे थे इस सेक्शन में, बहुत सारे लोग थे जो करके आए हैं। तो इस सेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो 20 से 25 के बीच बीच में अगर आप लोग अटेम्प्ट करके आए हैं तो बहुत अच्छा अटेम्प्ट आप मान के चले इसका आपका है। अगर 20 से कम भी है तो भी मैं आपको बता दूँ क्या चीज़ें यहाँ पर हैं। क्वांट में इतना ज़्यादा नहीं था, बस कुछ शिफ्ट्स में डीआई जो है या बाकी मिसलेनियस है वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव आया है। बात करें यहाँ पे दूसरी सेक्शन की, रीजनिंग सेक्शन की, रीजनिंग सेक्शन को भी मैं मॉडरेट कहूँगा। प्लस इसका जो मुझे रिव्यू मिला है वो ये मिला है कि ये सेक्शन थोड़ी सी ट्रिकी थी, एक लिमिटेड अटेम्प्ट ही इसमें हो पा रहे थे 20 मिनट के अंदर अंदर। आप ये मान के चलें कि अगर आप इस सेक्शन में भी अगर आपने 25 को टच किया है अटेम्प्ट में, 25 से ज़्यादा की बात नहीं कर रहा, अगर आप 25 तक भी इसमें अटेम्प्ट करके आए हैं, बहुत अच्छा अटेम्प्ट इसमें आप मान के चले आप इस सेक्शन में कराए। क्योंकि पजल्स ऐसी थी जो कंफ्यूज कर रही थी बच्चों को, और ऐसा आपके साथ अकेले के साथ नहीं हुआ। अगर आप कंफ्यूज हुए हैं तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हुए होंगे, लेकिन इस सेक्शन में इजी पार्ट भी था काफ़ी। तो ओवरऑल ये सेक्शन को भी मैं मॉडरेट की कैटेगरी में ही रखूंगा, इजी नहीं कहूंगा। बात करते हैं इंग्लिश सेक्शन की। इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो जो मुझे रिव्यू अभी लास्ट शिफ्ट के मिले हैं और सेकंड लास्ट शिफ्ट के मिले हैं, उसमें ये था कि जो इंग्लिश है वो काफ़ी सेम रीजनिंग की तरह या उससे एक लेवल ऊपर ट्रिकी आई है। ट्रिकी का मतलब ये नहीं है, ट्रिकी का मतलब ये कि आप ऑप्शन एलिमिनेट भी अगर कर लोगे तो 3 में से आपको 2 ऑप्शन ऐसे दिखते हैं जो आपको लगेगा कि इनके बीच में आंसर होगा, और वहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जिन्होंने कन्फ्यूज़ किया है बच्चों को। लेकिन इंग्लिश सेक्शन में आपको बताया कि 20 मिनट का टाइम होता है, अगर आप पूरे आराम से भी इस सेक्शन को करें तो तब भी आप लोग इसमें 20+ अटेम्प्ट तो आसानी से कर ही लेते हैं। अभी तक अगर मैं अटेम्प्ट की बात करूं तो अटेम्प्ट मैंने जिस तरह से आपको कहा है, क्वांट के 25+, रीजनिंग 25+, क्वांट और रीजनिंग दोनों के 20 से 25 के बीच में अगर आपके हैं तो अच्छा आप इसको अटेम्प्ट मान सकते हैं। क्योंकि ये जो शिफ्ट थी वो थोड़ी सी कई शिफ्ट टफ थी, तो नॉर्मलाइजेशन सब बराबर कर देगा, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और इंग्लिश में भी सेम मैं बोलूँगा 20। अब यहाँ पे जो मैं आपको दो तीन चीज़ें बताऊँगा उस पर आपको थोड़ा सा ध्यान से सुनना होगा। सबसे पहली अगर मैं बात करूँ एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, उससे पहले अगर मैं बात करूँ SBI का, आप लोगों ने देखा था प्रीलिम्स का जो इस बार कट आया है वो सीधा सीधा लगभग 15 मार्क्स बढ़े हैं कट ऑफ में पिछले प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग। इस बार भी ऐसा नहीं होगा कि आप मान के चलें कि IBPS में भी इतना ज़्यादा बढ़ेगा, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, बेशक पेपर का लेवल जैसा मर्जी हो, कट ऑफ इस बार का पिछली बार से ज़्यादा होगा। कितना होगा अब हम उस पर बात करें तो मैं आपको बता रहा हूँ 65 to 68, इसके बीच में आप मान के चल सकते हैं कि आपका कट ऑफ इसका लाइक करेगा। प्लस माइनस 3 हो सकता है, हो सकता है कि ये भी 71 चले जाए, कोई बड़ी बात नहीं होगी, ज़्यादा शॉकिंग नहीं होगा। लेकिन जिन लोगों के अटेम्प्ट थोड़े से कम हैं या जिन लोगों के अटेम्प्ट नहीं हुए, उन्हें बता दो कि नॉर्मलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगर आपने की लास्ट शिफ्ट में पेपर था या फिर आपका पेपर टफ शिफ्ट में था, तो अगर आपने एक्यूरेसी मेंटेन की होगी तो आपको नॉर्मलाइजेशन की एडवांटेज मिलेगी। क्योंकि अभी मैंने बहुत सारे रिजल्ट देखे हैं, जैसे RRBPO का था, उसमें भी जो मेरे साथ लड़का पेपर दे रहा था उसके 45 मार्क्स थे, अटेम्प्ट 45 था लेकिन उसके मार्क्स 55 हो गए थे। तो सीधा सीधा नॉर्मलाइजेशन से 10 10 12 12 मार्क्स बढ़ते भी मैंने देखे हैं। ये आपके तब बढ़ेंगे जब आपकी शिफ्ट टफ हो गई या फिर आप लोगों की एक्यूरेसी सही रहेगी, इसके अकॉर्डिंग आपको मिलेंगे। तो ज़्यादा दिल छोटा करने की बात नहीं है, अगर आपका अटेम्प्ट नहीं हो पाया उस लेवल तक का
लेकिन आप मान के चले कि इसका कट ऑफ इसी के करीब होगा, 66 to 68 के बीच में। और इसके साथ साथ एक और चीज़, अभी आप लोगों के पास टाइम कम है, तो जिन लोगों का भी अटैम्प्ट पेपर में अटैम्प्ट अगर 75+ है या 70 to 75+ है, या जिनके 65+ भी है लेकिन एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, वो टाइम बिना वेस्ट किए मेंस की तैयारी शुरू कर दे। और जो लोग IBPS क्लर्क के लिए वेट कर रहे हैं या जिन लोगों का आज का पेपर अच्छा नहीं हुआ या इससे कम हुआ, उनको बता दूं कि अभी अक्टूबर चल रहा है और दिसंबर में आपका पेपर होंगे। अब दिसंबर में आपका RBI असिस्टेंट भी अभी आएगा, इसी साल नोटिफिकेशन आ जाएगी अगले महीने तक। RBI असिस्टेंट के साथ आपका IBPS क्लर्क का पेपर भी होगा, और ये पेपर तो काफ़ी ईजी आता है। इसमें आपको स्पीड पे फोकस करना है कि स्पीड आप किस तरह से बढ़ाएं अपनी। तो इन दो के लिए मैं सोच रहा हूँ कि नवंबर से एक बैच शुरू करूँगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, जिसमें आप डेली के, मैं आपको बता दूंगा किस टॉपिक पे तैयारी करनी है। मैंने IBPS क्लर्क भी दिया है और मैंने वो क्रैक किया है, तो आप लोगों को बता दूं कि जितना मेरे से हो सकेगा मैं करूंगा। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसको शेयर कर दें बाकी उन लोगों के साथ भी जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, ताकि उनकी तैयारी हो जाए। मैं आपको A to Z सारा बताऊंगा, कहाँ से पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, और कहाँ से मॉक टेस्ट देने हैं। इनफैक्ट अगर हो सकेगा तो मैं साथ में मॉक टेस्ट दूंगा, तो उसके साथ हम टैली कर लेंगे कि कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो बस ये आपको अभी के लिए बता दिया है, जितना शेयर कर सकते हैं आप कर दें ताकि आपके फ्रेंड्स की भी हेल्प हो जाए। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से कल नए लेक्चर के साथ। ओके गाइस, और हाँ, वीडियो ख़त्म करने से पहले एक और चीज़ बता दूँ कि SBI PO का रिजल्ट आ चुका है। बहुत सारे लोग हमारे ग्रुप से ऐसे थे जिनका क्वालिफाई हो गया है, उनके मैसेजेस आए थे, तो कॉन्ग्रेचुलेशन सबको जिन जिन का भी ये हो चुका है। अभी स्टार्ट है, मैं चाहता हूँ कि आप इसमें और आगे ग्रो करें। तो चलिए, सबको जिनका भी SBI भी हो चुका है उनको भी कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। तो चलिए, मिलते हैं अब आप लोगों से कल नए लेक्चर के साथ। आज के लिए इतना ही।